बिजली बोर्ड द्वारा दृष्टिहीन के लिए खाली पड़े पदों को भरने के लिए करीब 1.5 साल पहले परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया है। प्रदेश भर से आए दृष्टिहीनों ने शिमला में वेलफेयर मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। प्रदेश दृष्टिहीन जनसंगठन के महासचिव लकी चौहान ने कहा कि बिजली विभाग में सरकार ने दृष्टिहीन के लिए बिजली बोर्ड में 2019 में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 2020 में सभी आवेदन हुए, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं निकाला गया। कई बार बिजली बोर्ड के निदेशक से मिले और परिणाम निकालने की गुहार लगाई गई, लेकिन परिणाम नहीं निकाला गया, जिससे मजबूर होकर वेलफेयर विभाग के बाहर धरना देना पड़ा। उन्होंने कहा कि वेलफेयर विभाग द्वारा ही उनकी पोस्टें निकाली जाती है, जिसके चलते यहां पर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन पिछले 1.5 साल से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के नकारात्मक रवैये से दृष्टिहीनों को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। संघ के महासचिव का कहना है कि जब तक उनके परिणाम घोषित नहीं किए जाते हैं, तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2019 की पोस्टें आई हुई है और 2019 की पोस्टों का डॉक्यूमेंटेशन 2020 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक हुआ है और 1 साल लग गया इस डिपार्टमेंट को रिजल्ट निकालने में, अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के कारण, डायरेक्टर साहब के नकारात्मक रवैये के कारण हमारी सुध नहीं ली गई 1 साल में। इसलिए हमें आज यहाँ पर विवश होकर आना पड़ा है और हमारे को 1 तारीख को डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें उन्होंने अपने मुँह से कहा था कि 3 दिन में जो है ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देखिए 1 तारीख से आज कितने दिन हो गए, आज तक ये रिजल्ट आना तो दूर, ये वहाँ का वहीं फंसा हुआ है। डायरेक्टर साहब इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले डायरेक्टर साहब को बोलते हैं, इसमें पीछे जा रहे हैं हम लोग। और हम इसलिए यहाँ पे आज ये डिमांड लेके आए हैं कि हमारा जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे हमें रात को भी यहाँ बैठना पड़े, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और चाहे हमें जितने भी आश्वासन दे कि कल आएगा परसों आएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले भी हम इनसे मिले, यहाँ जॉइंट डायरेक्टर जो है वेलफेयर के, उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में हम निकाल देंगे रिजल्ट, लेकिन देखिए आज 4 दिन उनको भी हो गए हैं। इन लोगों ने सिर्फ जो हमारे यहाँ वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, आश्वासन के अलावा ये हमें कुछ दे ही नहीं सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश वेलफेयर मुख्यालय के संयुक्त निदेशक जीवन सिंह नेगी ने भी दृष्टिहीन जनसंगठन को जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया है। हम जितनी जल्दी हो सके हम इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आज मॉर्निंग ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी के ईडी साहब से मैंने बात किया पर्सनल के, तो उन्होंने बता दिया कि फाइल अभी निकल गई है और हमारे डायरेक्टर साहब अभी टूर पे हैं, जैसे वो आ जाते तो हम कर देंगे। तो 27 या 28 तक मोस्ट प्रोबेबली हम पूरा कर लेंगे इस प्रोसेस को। वो हो गया है मेन, हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी में थोड़ा सा टाइम लग गया था, अब वो भी अब डायरेक्टर साहब से मैंने बात ईडी साहब से मैंने बात कर लिया है, तो वो फाइल आज शाम को हमारे पास पहुंच जाएगी।